अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अनस खान है और मैं एप्टेक गार्डन का स्टूडेंट हूँ और मेरे बैच का नाम है 1811B और मेरा प्रोजेक्ट टाइटल है वो है ट्रू बार्बर और मेरा जो फैकल्टी हैं उनका नाम है सलजुल्फिकार। बेसिकली ये मेरा प्रोजेक्ट का होम पेज व्यू है। इसमें सबसे पहले आपके पास आ जाता है लॉगिन का जाता है बटन, उसके बाद रजिस्ट्रेशन आ जाता है। पहले आपको रजिस्ट्रेशन करानी पड़ेगी तभी आप उसको लॉगिन कर सकते हैं। लॉगिन के लिए आप क्लिक करेंगे तो आप लॉगिन के व्यू पर आएंगे। लॉगिन के व्यू में है ईमेल एड्रेस और पासवर्ड है। मैं ईमेल एड्रेस डालता हूँ, एड्रेस और ये आ गया पासवर्ड। ये लॉगिन किया, ये लॉगिन हो चुका है, मेरे नाम से लॉगिन हुआ है। अब लॉगिन हो चुका है तो हम इस पेज में काफी शॉपिंग भी कर सकते हैं, ऐड टू कार्ट भी कर सकते हैं चीजों को। स्क्रीन नीचे चलते हैं तो हमारे पास आ जाते हैं प्रोडक्ट्स, आ जाते हैं बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं हमारे पास। क्रोम के बाद ये हमारे शॉप्स हैं। शॉप्स के इसमें डिस्क्रिप्शन आएंगी, शॉप के नेम वगैरह आएंगे हमारे, जैसे जितने भी हमारे शॉप्स हैं शॉप नेम आ गए, सारे शॉप नेम है और ये शॉप के डिस्क्रिप्शन है, सारी शॉप की डिस्क्रिप्शन है। और देखते हैं क्या है हमारे होम पेज पर। होम पेज पर फिर हमारा आ जाता है कॉन्टेक्ट्स का। कॉन्टेक्ट के व्यू में जाते हैं, कॉन्टेक्ट्स के व्यू में हमारे पास आता है ये फॉर्म आ जाता है। फॉर्म ये बेसिकली फीडबैक फॉर्म है, ये कंप्लेन वगैरह के लिए बनाया गया। और उसके बाद हमारे पास आ जाता है हमारा ये फुटर, हमारे ये छोटा सा फुटर है। और फुटर के बाद जो हमारे पास है वो हमारे पास आते हैं प्रोडक्ट्स। हमारे प्रोडक्ट्स जैसे कि बियर्ड ऑयल वगैरह हो गए और शेविंग क्रीम हो गई और ये हेयर ऑयल वगैरह, और ये लेटेस्ट प्रोडक्ट है हमारा। लेटेस्ट प्रोडक्ट जैसे कि आपको कोई प्रोडक्ट ऐड करना है, ऐड टू कार्ट करना है, खरीदना है, ये आपने ऐड टू कार्ट किया, ये एक ऐड टू कार्ट जो ना वन आइटम ऐड हो गया। अभी कोई और ये आइटम्स आ रहे हैं ऐड टू कार्ट में, ये हमारे पास एक आइटम ऐड हो चुका है, आ रहा है, प्राइस है, क्वांटिटी है। अगर इसको यहाँ से रिमूव करना है तो हम रिमूव भी कर सकते हैं, यहाँ से आइडिया का चेंज ऑफ माइंड अगर आप कहें तो रिमूव कर सकते हैं। और ये प्रोसीड टू चेकआउट का आ रहा है, कूपन कोड भी वगैरह डाल सकते हैं और टोटल वगैरह ये भी सब इसमें आ रहा है। और प्रोसीड टू चेकआउट की तरफ अगर जाएंगे तो हमारे पास पेमेंट मेथड आएंगे। पेमेंट मेथड जो है ना वो हमारे पास दो तरीके के हैं, एक है कैश ऑन डिलीवरी और एक है हमारे पास पेपाल का। ये पेमेंट करने से पहले ये साहब बायर का इंफॉर्मेशन करना है, फुल नेम वगैरह, स्टेट, सिटी, जिप कोड, फुल एड्रेस, मोबाइल नंबर, ये फॉर्मेलिटीज हैं।